तो देखिए, अयोध्या से प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत में 2024 का संदेश दिया है, जिसका असर खासकर निषाद और वाल्मीकि समाज पर पड़ेगा। पीएम मोदी के इस फैसले का विरोध विपक्ष भी नहीं कर पा रहा है। इस रिपोर्ट से आप समझ पाएंगे कि पीएम मोदी ने अयोध्या को सौगात देने के साथ ही कितनी बड़ी आबादी के मन को छुआ है। अयोध्या रोम रोम घट घाट हर पाट में जहां राम बसे हैं, जहां हिंदुओं की आस्था का बसेरा है, एक ऐसा प्राचीन नगर जो एक पांव वर्तमान में जमाए खड़ा है और दूसरा पांव भारतीय आस्था के उस चबूतरे पर जहां भगवान राम निवास करते हैं, उसी राम नगरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी सौगात दी जिसे अयोध्यावासी ही नहीं देश विदेश के तमाम राम भक्त देख कर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। वो है अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोदी जो गारंटी देता है उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देता है। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। और मैं आज अयोध्या के लोगों को फिर से विश्वास दूंगा कि इस पवित्र धाम के विकास में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। श्रीराम मंदिर की तरह ही नागर शैली में तैयार किया गया ये एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट भर नहीं है, ये वो लॉन्चिंग पैड है जहां से प्रधानमंत्री मोदी 2024 की सियासी उड़ान को नया आयाम देने वाले हैं। राम मंदिर से चंद किलोमीटर की दूरी पर बनकर तैयार इस एयरपोर्ट से बीजेपी ऐसी सियासी उड़ान भरने की तैयारी में है जिसके इर्द गिर्द कोई विरोधी न हो। अयोध्या के इस एयरपोर्ट के जरिए बीजेपी ने कैसे दलितों को साधने की कोशिश की है वो समझिए। एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि को दलित समुदाय अपना आराध्य मानता है, वही दलित समुदाय जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि समूचे देश में एक अहम फैक्टर है। त्रिकालदर्शी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर अयोध्या धाम एयरपोर्ट का नाम, इस एयरपोर्ट में आने वाले हर यात्री को धन्य करेगा। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण वो ज्ञान मार्ग है जो हमें प्रभु श्री राम से जोड़ती है। आधुनिक भारत में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम हमें दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर से जोड़ेगा। श्री राम की नगरी अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर अयोध्या की एक दलित बस्ती पहुंच गए, जहां प्रधानमंत्री ने न सिर्फ चाय की चुस्की ली बल्कि बच्चों के साथ सेल्फी भी ली और श्री राम मंदिर की तस्वीर पर ऑटोग्राफ भी दिया। राम मंदिर की स्थापना सदियों के संघर्ष का अंत भी है और सनातन के सूर्योदय का नया सोपान भी। इसके साथ ही अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सनातन भारत की श्रीराम वाली संक्रांति है। एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखे जाने पर दलित समाज ने भी खुशी जाहिर की है। ABP News आपको रखे आगे।